शेख ने बहुत सारे सुन्नी अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, लेकिन क्या सारों की सुन्नियत एक्सेप्टेबल है? इसी तरह कहलाने के तौर पर कोई कुछ भी कहला सकता है, लेकिन जब उलमा की ये राय आपको मिल गई है ना कि लई सा भी सिखाते हैं, कि ये सिका नहीं है, इमाम नसाई कह दें कि ये किसी काम का आदमी नहीं, इमाम नसाई सियासत था, जिनके छह सही किताबें उनमें से एक इमाम हुए, इमाम नसाई सही छह किताबों में से एक इमाम हुए, फिर उसके बाद दूसरे कौन से इमाम दाऊद, ये भी सियासत था कि एक इमाम है, वो कह दें कि ये इमाम बुखारी कह दें कि ये मुतकल्लिम फी है, यानी इसके बारे में लोग अच्छी बात नहीं करते, तीन सियासता के बड़े इमाम कहें कि ये बंदा ठीक नहीं है, फिर उससे हदीस की रवायत ठीक होगी? जबकि मामला ऐसा पेश आ जाए कि जिस जो इतनी खतरनाक किस्म की बात हो जिससे हदके आले रसूल भी बनती हो, हदके साबे रसूल भी बनती हो, तो ऐसे मौके पर ऐसे बंदे की हदीस लेनी चाहिए? हाँ, अगर इसने ऐसी कोई हदीस रवायत की है, मसलन एक आदमी जो है मैं कहूँ कि ये कुरान मजीद है, मैं भी कह रहा हूँ, अगर एक काफिर भी आकर कह दे कि कुरान मजीद है, तो आप उस काफिर की वजह से उसको कुरान मजीद को कुरान मजीद नहीं मान रहे होंगे, बल्कि कुरान की वजह से कुरान को मान रहे होंगे। इस तरह अगर कोई सच्ची बात जो कई हजार लोगों से और से भी साबित है, वो कोई झूठे से भी साबित हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी इसने वो हदीस की रवायत की थी। लेकिन अगर एक ऐसी झूठी बात हो कि जिसको 100 आदमी अच्छे से अच्छा बंदा कह रहे हो कि ये बंदा गलत है, ये बात झूठी है, उसमें अगर ऐसा बंदा मिल जाए जिसे औलादे रसूल की हद तक लाजम आ रही हो, सहाबा इकराम की हद तक लाजम आ रही हो, तो ऐसे झूठे बंदे की रवायत देने की क्या जरूरत है, या ऐसे मुतहम बंदे की रवायत देने की क्या हमें हाजत पड़ी है? क्यों हम उसकी हदीस को एक्सेप्ट करें, उसकी रवायत को एक्सेप्ट करें, जबकि ये हदीस भी नहीं है? समझो बात को, ये जखायरे को उकबा जो थी ना मोहम्मदुद्दीन तबरी की, वो हमने बताई थी कि उसमें ये सारी रवायात मौजूद है, जिसका हवाला हमने आपको दिया था। उसके बाद शिबली नुमानी का जो तारीखी हवाले थे वो उसके पेश किए थे। तो जो भी किताब कोई भी हो, लेकिन जिसने भी मसलन इमाम हाकिम की किताब या किसी और की किताब पेश है, बुनियादी रावी ही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किताब रावी बुखारी की है, लेकिन उसके अंदर गलती निकल आई। किताब अब बुखारी हो, उसके अंदर अगर यजीद को जन्नती कहने की ट्राई की गई हो, तो क्या बुखारी में कोई रवायत आने की वजह से यजीद जन्नती हो जाएगा? इसी तरह ये नहीं सिर्फ देखना होगा कि कौन सी किताब में आई है, देखना ही होगा कि किताब में आने के बाद जो उसूल उलमा ने खुद मुकर्रर किए थे, क्या इमाम बुखारी की हदीस, जो हदीस की किताब है बुखारी, उसके अंदर कोई हदीस आई तो खुद इमाम बुखारी के उसूलों पर वो हदीस पूरी उतरती है? समझे बात को? अगर मैं आज आपको कहूं कि वाहबियों की नमाज नहीं पढ़नी, और कल आप मुझे वाहबियों की नमाज पढ़ते देखें, तो फिर एक बात मेरी ठीक माननी पड़ेगी, या कहेंगे कि बात ठीक करता है ये वाली बात कि वाहबियों की नमाज नहीं पढ़ी, जो लिखी है वो बात ठीक है, या जो कर रहा है वो बात ठीक है, दोनों में से एक बात थी, दोनों तो नहीं ठीक नहीं हो सकती ना। इसी तरह जो उसूल है, उसूल का ये है कि अगर रावी मुत्तहम साबित हो जाए, रावी झूठा साबित हो जाए, तो फिर हदीस जो है वो काबिल इत्तेजाज नहीं होगी, उसे दलील नहीं बनाई जा सकेगी। तो जब हमने साबित कर दिया है कि इमाम बुखारी की नज़र में, इमाम अबू दाऊद की नज़र में, और इमाम नसाई की नज़र में ये आदमी सिका नहीं है, तो फिर इसकी हदीस ऐसे मौके पर क्यों ली जा रही है जिससे हद के आले रसूल लाज़िम मानते हैं? So, Pisa, do you know in the chain of narration he's the final one, yeah, but before that who is it? नहीं, वो उस वक्त हमारी, इस वक्त हमारी नजर में वो नहीं है। अच्छा, चेन ऑफ नरेशन में चेन तो कोई भी बयान कर सकता है। असल इस वक्त हमारे असहाब की बिला एक सनद की हैसियत रखते हैं। असहाब पाकिस्तान गए हुए हूँ या यहाँ आए हुए, तो पाकिस्तान में कोई बंदा जो कभी असहाब से मिला ही नहीं है, वो ये कहे ओ जी मैं दारूम गया था, दारूम में गया तो अब मियाँ साहब लतीफ़ साहब असल हमारे यहाँ होते, इनके वाले साहब वहाँ पाकिस्तान में होते, मैं मियाँ अब्दुल लतीफ़ साहब से मिला, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई, और बाद में पता चले कि वो मियाँ अब्दुल लतीफ़ साहब से कभी मिले ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों से वो बयान करेंगे तो लोग तो फिर साथ समझेंगे मियाँ साहब ने ये बात कही है। ये तो बाद में कोई बंदा तसली से बैठ के देखेगा, हमें पूछेगा, टाइम निकालेगा, पर तेरी मियाँ साहब से कभी मुलाकात हुई भी थी, मुमकिन तो है। इस तरह ये नहीं हमने देखना क्या भी ये बंदा इसने किससे रवायत की है, बहुत मुमकिन है जिनसे रवायत के बारे में कह रहा है झूठ झूठ बोल रहा हो, मुलाकात ही ना उनसे हुई हो। ये खुद जो है
سفیان بن وقی جو ہیں یہ سن 247 میں اللہ کو پیارے ہوئے. 247 کے بارے میں تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت تہذیب و تہذیب سے بھی اور میزان الاعتدال سے بھی جو کہ اسماء الرجال کی کتابیں جو حدیث کے راویوں پر گفتگو کرتی ہیں جو تمام سنی وہابی سارے لوگ جن کو حدیث کی چیک کرتے وقت لوگوں کو راویوں کو چیک کرتے وقت جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا بات لکھی ہے دونوں کتابیں آپ کے سامنے رکھتی بتا دی کہ دونوں کتابوں نے یہ بات کہی کہ امام بخاری کی نظر میں امام داؤد کی نظر ابو داؤد کی نظر میں امام نسائی کی نظر میں یہ بندہ جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے یہ بندہ جو ہے متہم ہے اس کے بارے میں جھوٹا ہونے کا شک ہے یا سکا نہیں تھا یا ضعیف تھا یہ ساری باتیں لوگوں نے کہی تو جس کی ضعف ثابت ہو جائے ہم اس کی حدیث اولاد رسول کی حد تک کا معاملہ ہو اور یا صحابہ کرام کی حد تک کا معاملہ ہو تو ہم ایسے بندے کی حدیث قبول کرنے کے لیے آج تیار ہوں.